सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। सिद्धार्थ के निधन से आम जनता से लेकर बड़े सेलिब्रिटीज तक हर कोई सदमे में है। 44 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। सिद्धार्थ जो अपनी फिटनेस को लेकर हर किसी के रोल मॉडल थे, इतनी कम उम्र में दुनिया से चले गए, ये बात लोगों को अब तक स्वीकार नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद हर कोई सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ के बारे में सोच रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनकी दुनिया उनकी माँ थी और माँ के लिए भी सिद्धार्थ ही उनका सब कुछ थे। रीटा शुक्ला जो सिद्धार्थ शुक्ला की माँ हैं, पूरा दिन अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमते हुए बिताती थी। अब उनके दिन कैसे कटेंगे, हर कोई यही सोच रहा है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से एक रात पहले उन्होंने अपनी माँ से जो कुछ भी कहा था उन्हीं सब के बारे में। रोज़ाना की तरह सिद्धार्थ शुक्ला रात को घर आते हैं और घर आने के बाद उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला बेचैन हो रहे थे और आखिरी बार अपनी माँ से उन्होंने सिर्फ अपनी बेचैनी को लेकर बात कही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ ने अपनी माँ रीटा शुक्ला से कहा कि उन्हें बेचैनी हो रही है, उनके सीने में हल्का दर्द हो रहा है, जिसके बाद रीटा शुक्ला ने अपने बेटे को पानी पिलाया और बेटे से कहा कि अब तुम सो जाओ। सोचा भी नहीं होगा सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ने कि वो अपने बेटे को सुला रही हैं और इस बार जो उनका बेटा सोएगा वो दोबारा कभी नहीं उठेगा। अगर उन्हें पता होता तो वो अपने बेटे की आंखों को कभी बंद ही नहीं होने देती। सिद्धार्थ ने अपनी माँ से अपने दर्द को बयां किया। माँ ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वही दर्द है जो उनसे उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।